हाय गाइस, वेलकम टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर सा ट्राउजर और स्लीव्स का डिजाइन शेयर करूंगी और इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे व्हाइट कलर के लेसेस और हाफ बीट्स का। तो कुछ दिन पहले मैंने एक सूट का डिजाइन बनाया था जिसमें से कुछ व्हाइट कलर के ही पैचेस बच गए थे, तो मैंने इन पैचेस को इस तरह से काट के अलग कर लिया। आप चाहें तो इस तरह के पैचेस अलग से भी ले सकते हैं मार्केट से। अब आपको इस पैच की चौड़ाई भी मेजर कर लेनी है, तो यहाँ पर मेरे पैच की चौड़ाई है 2 इंच। और अब मैंने कपड़े की एक पट्टी ली थी जिसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली और चौड़ाई तकरीबन 4.5 इंच, और इसके ऊपर मैंने 3-3 इंच की दूरी पर सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और इन्हें काट दिया। क्योंकि मेरे पैच की चौड़ाई 2 इंच थी तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, और 3-3 इंच की दूरी पर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे पीसेस काट लिए इस कपड़े में से। तो इस तरह के सभी पीसेस मैंने बनाकर रेडी कर लिए। अब इस कपड़े के पीस के ऊपर हमें डबल एजिंग वाली लेस को इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से सभी पीसेस के ऊपर हम इस लेस को अटैच करेंगे इस तरह से, और अब हम इन्हें काट के अलग कर देंगे। अब हमें लेस को इस तरह सीधा करना है और कपड़े के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से सभी पीसेस के ऊपर हम टॉप स्टिच लगाकर अच्छे से लेस को अटैच करेंगे, और अब इन सभी पीसेस को भी हमें आपस में इस तरीके से अटैच करना है और एक लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें लेस की दूसरी किनारी को पट्टी के ऊपर रखते जाना है और अटैच करके सीधा करना है और एक टॉप स्टिच लगाना है, जिससे कि एक लंबी सी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह का डिजाइन आप अपने कमीज के दामन पर भी बना सकते हैं, और बेल्ट स्लीव्स के ऊपर भी बना हुआ ये डिजाइन काफी अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो इसी तरह से सभी पट्टियों को लेस के साथ मैंने अच्छे से अटैच कर दिया और एक लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार कर ली। इस पट्टी की लंबाई है 18 इंच, ये देखिए। और अब हम इसकी एक तरफ डबल एजिंग वाली लेस इस तरीके से अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने के बाद हम इसको भी सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर भी इस तरह से। अब जो हमने फ्लावर वाले पैचेस काट के रखे हैं उन्हें हम इस पट्टी के ऊपर एक बार रख के देखेंगे, और जितनी पट्टी की चौड़ाई हमें चाहिए होगी उतनी रख के बाकी एक्स्ट्रा पट्टी हम काट के अलग कर देंगे। ये देखिए, अब नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट देंगे। हमें इस पट्टी की सिर्फ उतनी ही चौड़ाई चाहिए जितने में पैच अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम इन पैचेस को हटा देंगे और प्लेन कपड़े की एक पट्टी लेंगे ट्राउजर के ही फैब्रिक में से, तकरीबन 2 इंच चौड़ी, और इस तरीके से हम इस पट्टी की दूसरी किनारी पर प्लेन पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसको सीधी तरफ हमें फोल्ड करना है इस तरह, और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा के इस पट्टी को अच्छे से अटैच करना है। ये देखिए, और अब इस पट्टी के ऊपर हमें लेस लगानी है, लेकिन लेस मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि इस लेस को लगाने के लिए मुझे ऊपर वाला धागा चेंज करके व्हाइट धागा डालना पड़ेगा। तो पहले मैं इस पट्टी को ट्राउजर के आगे अटैच कर लूंगी। ट्राउजर का बिल्कुल सेंटर मैंने मार्क कर लिया था, और इस पट्टी की भी सेंटर लाइन के साथ हम ट्राउजर की सेंटर लाइन को मैच करेंगे और इस तरीके से रख के लेस के किनारे को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, और ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम मशीन में धागा बदल लेंगे। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है पट्टी का बाहर की तरफ, उसे हम काट के अलग कर देंगे। अब क्योंकि इसके ऊपर मुझे व्हाइट कलर की लेस अटैच करनी थी, तो मैंने मशीन में ऊपर की तरफ व्हाइट धागा ही डाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के इस लेस को बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखा है और इसे अच्छे से अटैच कर दिया है। ये देखिए, अब एक और सिलाई लगाएंगे और इस लेस को इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर देंगे। बिल्कुल मजबूती से ये लेस इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, और अब हम इन पैचेस को इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो मैं इन्हें अटैच करने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं इनको अटैच करने के लिए। वैसे पैचेस को अटैच करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले ग्लू की मदद से इनको चिपका लिया जाए और उसके बाद मैचिंग धागे का इस्तेमाल करके बिल्कुल मजबूती से टांके लगा के इनको अच्छे से अटैच कर लिया जाए, ताकि बिल्कुल मजबूती से अटैच हो और बाद में निकले भी ना। अब इसके ऊपर हमें हाफ बीट्स अटैच करने हैं, तो मीडियम साइज के हाफ बीट्स मैंने फ्लावर्स के बिल्कुल बीच में रख के ग्लू से अटैच कर दिए हैं। आप चाहे तो सिंपल मोती सुई धागे से भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही तैयार हो गया है बॉर्डर का ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन, और इस डिजाइन को आप अपने कमीज के दामन पर बना सकते हैं,
कुर्ती की स्लीव्स या ट्राउजर पर कहीं पे भी बना सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।